ओम शांति। 19 सेप्टेम्बर 2020 बाबांकर साकार महावाक्य। बाबा कहुचंती मधुर संतान गण, प्रकृत पंडा तुम मानू प्रकृत यात्रा शिखाइबा पय आसीचंती। तुम यात्रा रे मुख्य धारणा हेउची पवित्रता, एणु जवयुक्त हुओ एवं पवित्र हुओ। प्रश्न, तुम बोली मेसेंजर अर्थात संदेश दाता अथवा पैगंबर कर संतान माने क्यों कथा व्यतीत अन्य कौनसी कथा रे युक्ति तर्क करिबा उचित नुहे? उत्तर, मेसेंजर शिव बाबा संतान माने समस्त को एही संदेश दियो जे निज को आत्मा मने कर एवं बाबा को मने पकाओ, तेबे एही जोग अग्नि द्वारा तुमरा विकर्म विनाश होई। एही चिंता व्यतीत अन्य कौनसी कथारे किछि भी फायदा नहीं। तुमको केवल समस्त को बाबांकर परिचय देवाकू हेबो, जहाद्वारा सेमाने आस्तिक हेबे। जेतेबेले रचयिता बाबांकू जानि जिबे, तेबे तांकर रचना को जानिबा सहज होइजिबो। जिरो गीत होउछि हमारे तीर्थ निहारे है। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने जानिचंती जे आमे प्रकृत तीर्थवासी अटु। बाबा ही सत्य पंडा एवं आमे तांकर संतान माने सत्य तीर्थ को जाउछु। एहा हेउछि मिथ्या खंड अथवा पतित खंड। एबे सत्य खंड अथवा पवित्र खंड को जीवु। मनुष्य यात्रा करि थांती ना, केतेक निर्दिष्ट यात्रा को जेतेबेले हेले जाई पारिबो, एहा मध्य यात्रा। स्वयं सत्य पंडा बाबा आसिले ही जीवा को हेबो। से कल्प कल्प संगम रे आसुचंती, एतिरे थंडा गरम रो कोनसी कथा नाही, ना एठा को सेठा को जीवार कथा अछि। एहा स्मृति रो यात्रा अटे। सही यात्रा को सन्यासी माने मध्ये जाय थांती। निष्ठापर यात्री सर्वदा पवित्र रही थांती। तुमे समस्ते यात्रा करुछ, तुमे ब्राह्मण अट, सत्य ब्रह्मा कुमार कुमारी किए अटंती, जे केबे हेले विकारर अधीन हेउ नाहंती। पुरुषार्थित निश्चय अट, मनरे संकल्प आसिले मध्य मुख्य होची विकारर कथा। केही जदि पचारुछंती तुम पाखरे निर्विकारे ब्राह्मण केते जण अछंती, कुह एक कथा पचारिबार आवश्यकता नाही। एही कथारे कोन तुमर पेट पुरिबो? तुम्हें यात्री हो, यात्री केते जण अछंती एकता पचारिबारे कोनोसी फायदा नहीं। सत्य एवं मिथ्या ब्राह्मण मध्य अछंती। तुम मध्य रे आज असली ब्राह्मण अछंती, काली नकली होई जाउछंती। विकारग्रस्त हेले से ब्राह्मण नुहंती, जो शूद्र थिले पुणी सही होई गले। आज प्रतिज्ञा करी काली विकारर अधीन होई असुर होई जाउछंती। रे एही कथा सब केते बसी बुझाउथिबि, एहा द्वारा पेट भरिब नाही अथवा मुख मीठा हेबो नाही। एठारे आमे बाबा को मने पकाउछु एवं बाबा को रचनार आदि मध्य अंत को जानुछु, बाकी आउ कोनोसी कथारे किछि नाही। कुह एठारे बाबा को मने पकाइबा शिखा जाउछि एवं मुख्य होउछि पवित्रता। जे आज पवित्र होई पुणी अपवित्र होई जाउछंती से ब्राह्मण नुहंती। एही हिसाब केते बसी तुमको सुनाउथिबि, एपरि बहुत मायार तोफान पड़ी तल को खसुचंती। ब्राह्मण मानकर माला तयारी हेउ नाही। आमे मेसेंजर को संतान समस्त को संदेश देउछु, निज को आत्मा भाभी बाबा को मने पकाओ, तेबे एही जोग अग्नि द्वारा विकर्म विनाश हेबो। मनरे ही चिंता रख, बाकी लोक माने तो बहुत बहुत प्रश्न पचारिबे, केवल गोटे कथा बिना अन्य कौनसी कथारे फायदा नाही। एठारे तो एही कथा जानिबाकु हेबो जे नास्तिकरु आस्तिक, अनाथरु सनाथ किपरि हेबो, जहा कि पितांकटारु संपत्ति पाई पारिबो। एही कथा पचार, बाकी तो समस्ते पुरुषार्थी अटंती। विकार द्वारा ही बहुत फेल होउचंती। जदि बहुत दिन परे स्त्री को देखुचंती तेबे से कथा न कहिले भलो। कहार मद पीबार अभ्यास थिले तीर्थ को गले मद अथवा
बीड़ी अभ्यास जहाँ थी से सब सेवन बिना रही पारे ना लुचाई पी था कौन करे बहुत अच्छा जे कि सत्य को कहूना लुचाई चली बाबा संतान मान उपाय बताऊंजे किपर चतुरतार सह जवाब देवा उचित एक बाबा ही परिचय देवा जहाद्वारा मनुष्य आस्तिक हेबे बाबा को न जानिबा पर्यंत कौन सी प्रश्न पचारिबारे ही निरर्थक अटे एपरी बहुत आसुचंती जे किसी भी बुझी केवल शुणुंती फायदा किसी हेले पिलामाने बाबा को पत्र लिखुचंती हजारे दुई हजार आसी प्रदर्शनी बुझीगले किंतु सेमानंक भितरु जणे दुई जण बुझिबा पय आसुचंती अमुक अमुक बड़ा लोक मैंने आसुचंती बाबा बुझी जाउचंती जे सेमानंकु जेउ परिचय मिलिबा दरकार ताहा मिली नाही पूरा परिचय मिलिले बुझी जिबे जे ये तो ठीक कथा कहउचंती आम आत्मा मानकर पिता परमपिता परमात्मा अटंती से आमको पढ़ाउचंती कहउचंती निजकु आत्मा भाभी मते मने पकाओ एही अंतिम जन्म पवित्र हो जी पवित्र रहुना से ब्राह्मण नुहति शूद्र अटंती यह युद्धभूमि अटे वृक्ष पड़े तोफान आसब बहुत पत्र झड़ब किए बसी गणना करिबो जे प्रकृत ब्राह्मण किए जी केवे भी शूद्र होना सी ही प्रकृत ब्राह्मण अटंती टिके हेले कुदृष्टि न जाऊ अंत समय कर्मातीत अवस्था है बहुत उच्च लक्ष्य अटे मनरे मध्य न आसु यही अवस्था अंत समय वर्तमान तो जनकर मध्य एपरी अवस्था ना वर्तमान समय रे समस्ते पुरुषार्थी अटंती बुद्धि एग्रस रहुना मुख्य हूँ दृष्टि कथा आमे आत्मा यही शरीर द्वारा अभिनय करुछु यही अभ्यास पक्का हेबा दरकार रावण राज्य थिबा पर्यंत युद्ध चलिबो शेष बेलू कर्मातीत अवस्था हेबो आग को गले तुम अनुभव हेबो सबू बुझीजीब एबे तो वृक्ष बहुत छोट अच्छी तोफान आसुची पत्र झड़ी जाउची दुर्बल पिला माने झाउली पड़ुचंती प्रत्येक निजको पचारंतु मोर अवस्था केते दूर ठीक अच्छी बाकी जो सब प्रश्न पचारुचंती से सब कथारे अधिक ध्यान दियो नाही कुह आमे बाबांक श्रीमतरे चालुछु सही बेहद बाबा आसी असरंती सुख देउचंती अथवा नुआ दुनिया स्थापन करुचंती सेठारे केवल सुख ही रहिबो मनुष्य रहुतबा स्थान को ही दुनिया कहा जाए निराकारी दुनिया रे आत्मा माने रहिचंती ना एक कथा कहारी बुद्धि रे नाही जे आत्मा किपरि बिंदु अटे एक कथा मध्ये प्रथमे कौनसी नुआंकु बुझाओ नाही प्रथमे तो बुझाइबाकु हेबो अविनाशी बाबा असरंती संपत्ति देउचंती भारत पवित्र थिला एबे पतित हो जाइछि कलियुग परे पुणि सत्ययुग आसिबो बिकी मानक व्यतीत अन्य केही भी एक कथा बुझाई पारिबे नाही एहा नुआ रचना बाबा बढ़ाउचंती ए ज्ञान बुद्धि रहिबा दरकार कौनसी कष्ट कथा नुहे किंतु माया बुलाई देउछि विकर्म कराई देउछि अधा कल्परु विकर्म करिबार अभ्यास पड़ी जाइछि एही सब आसुरी अभ्यास को छाड़ीबाकु हेबो परमातीत अवस्था को प्राप्त करिबा पई बहुत समय लागुछि ब्राह्मण केबे विकारग्रस्त होंती नाही युद्ध क्षेत्र रे युद्ध करू करू हारी जाउछंती एही सब प्रश्न रे कोनोसी फायदा नाही प्रथमे निजर पितांकु मने पकाओ आमको शिव बाबा कल्प पूर्व भोली आदेश देइछंती जे निजकु आत्मा भाभी मते मने पकाओ एहा सही लड़े अटे पिता जड़े ही अटंती कृष्ण को पिता कहा जीवो नाही गीतारे कृष्ण को नाम रखी देइछंती भूल को ठीक तो बाबा ही करउछंती सेति पई तो तांकु सत्य बोली कहा जाउछि वर्तमान तुम्हें पिला माने ही सारा सृष्टि रो रहस्य को जानुछो सत्य युगरे दैवी राजवंश हेब रावण राज्य रे आसुरी रावण राज्य रे आसुरी राजवंश हेब संगम युग को
स्पष्ट रूपे देखाइबा को हेबो। एहा हेउची पुरुषोत्तम संगम युग। सेपटे देवता एपटे असुर, बाकी सेमानकर लड़ई हेउ नाही। तुम्हें ब्राह्मण मानकर ही विकार सहित लड़ई हेउची, एहाकु मध्य लड़ई कुआ जीव नाही। सबुठारो मुख्य हेउची काम विकार, एहा महाशत्रु अटे। एहा उपरे विजय प्राप्त करिबा द्वारा ही तुम्हें जगत जीत हेबो। एही विष निमन्ते ही अबला माने माड़ खाउचंती, अनेक प्रकार विघ्न पड़ुची। मूल कथा हेउची पवित्रता। पुरुषार्थ करी करी तोफान आसी आसी अंतिमरे तुम्हारो विजय होई जीव, माया थकी जीव। कुस्तीरे जेउ माने पहिलमान थांती सेमाने तुरंत सम्मुखीन होइतांती। सेमानकर धंदा हेउची भल भावरे लड़ी विजय प्राप्त करिबा। पहिलमान मानकर बहुत नामाचार होइताए, पुरस्कार मिलिथाए। एहा त तुम्हारो गुप्त लड़ाई अटे। तुम्हें जानिछ आमे आत्मा माने पवित्र थिलु, एबे अपवित्र होई जाइछु, पुणि पवित्र हेबु। एही संदेश समस्तंकु देबाकु हेबो। अन्य कोनसी प्रश्न पचारिले तुमको से सबु कथारे अधिक मुंड खेलाइबार नाही। तुमर तो आत्मिक धंदा अटे। आम आत्मा मानक मध्यरे बाबा ज्ञान भरिथिले, तापरे प्रारब्ध भोग कलु ज्ञान हजिगला। एबे पुणि बाबा आम आत्मारे ज्ञान भरुछंती, बाकी तुमे माने एही निशारे रुह। कहो जे आमे बाबांकर संदेश देउछु, बाबांकु मने पकाइले तुमर कल्याण हेब। तुमर एहा रुहानी धंदा अटे। प्रथम कथा हेउची बाबांकु जान। बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती, से कोनोसी पुस्तक सुनौ नाहंती। जेउ माने दर्शन तत्वरे डिग्री हासिल करुछंती सेमाने बही पत्र पढ़ुछंती। भगवान तो ज्ञानर सागर अटंती, तांको पाखरे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि। से कोनो किछि बही पढ़ुछंती कि? से तो सबु वेद शास्त्र आदि को जानिछंती। ज्ञान एवं भक्तिर प्रभेद आउ केही बतई पारिबे नाही। एहा हला ज्ञानर पाठपढ़ा। भक्ति को ज्ञान कहा जीव नाही। समस्तंकर सद्गति दाता एको ही बाबा अटंती। विश्व इतिहासर पुनरावृत्ति निश्चय हेबो। पुरुणा दुनिया परे पुणी नुआ दुनिया निश्चय आसिबो। तुमे जानिछ बाबा आमको पुनर्वार पढ़ाउचंती। बाबा कहउचंती मते मने पकाओ, समस्त गुरुत्व एहा उपरे रहिछि। बाबा जानिछंती बहुत भल भल नामीग्रामी संतान माने एही जगर यात्रा रे बहुत दुर्बल अटंती, एवं जे माने नामीग्रामी नुहंती बंधन युक्त गरीब सेमाने अधिक जोगयुक्त रहिथंती। प्रत्येक निज मन को पचारंतु मु बाबा को केते समय मने पकाउछि। बाबा कहउचंती पिला माने जेते संभव तुमे मते मने पकाओ। भितरे भितरे बहुत हर्षित रुह। भगवान पढ़ाउचंती तेणु केते खुशी हेबा उचित। बाबा कहउचंती तुमे पवित्र आत्मा थिलो, पुणी शरीर धारण करी पाठ करी करी पतित होई जाइछ। एबे पुणी पवित्र हेबाकु पड़िबो, पुणी सही दैवी अभिनय करिबाकु हेबो। ए दैवी धर्मर अट ना, तुमे ही 84 जन्मर चक्र लगाइछ। समस्त सूर्यवंशी 84 जन्म नेउनांती, पछरे आसिछंती ना, नहेले तो तुरंत समस्ते आसीजीबे। अमृत बेलारु उठी बुद्धि द्वारा विचार सागर मंथन कले बुझी पारिबो। पिलामानंकु ए विचार सागर मंथन करिबाकु पड़िबो। शिव बाबा तो करंती नाही, से तो कहउचंती ड्रामा अनुसारे जहा किछि सुनाउची एपरि भाव जे कल्प पूर्व बोली जहा बुझैतिली ताहा बुझाउची। मंथन तुमे करुछ, तुमको ही बुझाइबाकु हेबो, ज्ञान देबाकु हेबो। एही ब्रह्मा मध्य मंथन करुछंती, बीके मानंकु मंथन करिबाकु हेबो, शिव बाबांकु नुहे। मूल कथा हेला कहा सहित अधिक कथा हुआ नाही। शास्त्रवादी माने परस्पर मध्यरे बहुत बाद विवाद करिथांती। तुमको कहा सह बाद विवाद करिवार नाही, तुमको केवल संदेश देवार अछि। प्रथमे केवल मुख्य गोटिए कथा उपरे बुझाओ एवं लेखाओ। प्रथमे एही पाठ पढ़ाओ जे एठारे किए पढ़ाउचंती ताहा लेखो।
ता तुम्हें पछकु रखुथिबार संशय आसुची निश्चय बुद्धि होइ नथिबा कारण रु बुझु नहंती केवल ठीक कथा बोली कहि दियंती। यही होची प्रथम मुख्य कथा रचयिता बाबा को बुझ पुणी रचनार रहस्य को बुझीब। मुख्य कथा गीतार भगवान कि एथिरु ही तुम विजय हेबो। प्रथमे प्रथमे क्यों धर्म स्थापन होइतिला पुरुणा दुनिया को नुआ दुनिया किए करुछंती बाबा ही आत्मा मानंकु नुआ ज्ञान सुनाउछंती जहा द्वारा नुआ दुनिया स्थापना होउछि। तुमको बाबा एवं रचनार परिचय मिलुछि। प्रथमे प्रथमे अलग उपरे पक्का कराइला परे बासाहित रहिछि बाबांको ठारु ही संपत्ति मिलुछि। बाबांको जानिले तो संपत्तिर हकदार हेल। पिला जन्म होई मां बाबांको देखिले बा सबु किछि पक्का होई जाए। माता पितांको बिना पिला अन्य का पाखकु जाई नथाए काहेकि ना मां ठारु क्षीर खाइबाकु मिलिथाए। एठारे मध्य ज्ञानर क्षीर मिलुछि माता पिता अटंती ना यह बहुत सूक्ष्म कथा तुरंत कही बुझी पारिबे नाही। अच्छा मीठा मीठा सिखल दे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक मात पिता बाप दादांकु मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश प्रथम सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण हेबाकु पड़िबो। केबे भी शूद्र अर्थात पतित हेबारो विचार मन भितरे मध्ये न आसु टिकिए भी कुदृष्टि न जाउ निजर अवस्था को एही बोली करिबाकु हे। द्वितीय बाबा जहा सब पाठ पढ़ाउचंती से गुड़ी को बुद्धि रे रखिबाकु हे। विकर्म करिवार जे मासुरी अभ्यास रहिछि ताकु समाप्त करिबाकु हे। पुरुषार्थ करी करी संपूर्ण पवित्रतार उच्च लक्ष्य को प्राप्त करिबाकु हे। वरदान प्रवृत्ति रे रही परवृत्ति रे रहुतबा निरंतर जोगी हो। विस्तार निरंतर जोगी हेबार सहज आधार हैला प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थ व्यवहार भितरे रही मध्य परवृत्ति रे रहिबा अर्थात आत्मिक स्वरूप रे स्थित हेबा। जे आत्मिक स्वरूप रे स्थित रहिताए से सर्वदा समस्तक ठारु नियारा एवं बाबांकर प्यारा होई जाए। तांको प्रत्येक कार्य खेल बोली अनुभव हुए कार्य करिबा बोली लागे नाही। तेनु प्रवृत्ति रही आत्मिक रूप रे रहिबा द्वारा सबु किछि खेल बोली सहज अनुभव बंधन बोली अनुभव हेबो नाही। केवल स्नेह एवं सहयोग साथीरे शक्ति को जोड़ी दियो तेबे हाइजम अर्थात लंफ दे आग को बढ़ी चली। स्लोगान बुद्धि सूक्ष्मता अथवा आत्मार फालुका पुणिया ही ब्राह्मण जीवन व्यक्तित्व। ओम शांति।